प्रदीप सिंह जिन्होंने दो दो बार जो है यूपीएससी लगातार क्लियर किया, एक बार 93 रैंक के साथ और एक बार 26 रैंक के साथ, और इतना अच्छा रैंक लगातार लाना कोई मामूली बात नहीं है। तो आज आपको जो है प्रदीप सिंह का जो है मोटिवेशनल भरा स्टोरी जरूर सुनना चाहिए। इंदौर के रहने वाले प्रदीप जिनके पापा एक साधारण पेट्रोल पंप में जो है काम किया करते थे, और जब प्रदीप सिंह ने अपना 11, 12 और ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट किया, तब उसका दादाजी का सपना था कि मेरा पोता जो है एक आईएएस ऑफिसर बने। इसी को देखते हुए जब प्रदीप सिंह ने ठाना कि मुझे दिल्ली जाकर के यूपीएससी की तैयारी करनी है, तब उनके पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि उनकी कोचिंग की फीस भर सके। फिर भी पापा ने जो है अपने बेटे पर भरोसा किया, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि अपने बेटे प्रदीप के लिए उसके पापा ने जो है अपना मकान और अपनी बची कुची जो जमीन थी उसे भी बेच दिया, और अपने बेटे के हाथ में पैसा थमा दिया और कहा कि जा बेटा तू यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर, टेंशन मत। प्रदीप ने वो पैसे लेने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके पापा ने कहा कि जमीन का क्या है, घर बार का क्या है, वो तो आते जाते रहेंगे, मगर तेरा सपना है तू आईएएस बनेगा तो बस। और इसी को अपना मोटिवेशनल मानते हुए प्रदीप ने जो है यूपीएससी की स्टडी स्टार्ट कर दी। और जब प्रदीप ने अपना पहला जो है यूपीएससी का एग्जाम दिया, तो आप विश्वास नहीं करोगे अपने पहले ही अटेम्प्ट में जो है उन्होंने 93 रैंक लाया, लेकिन उसमें भी मात्र एक नंबर से जो है उनका आईएएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वे आईआरएस बने। लेकिन अगले साल 2019 में उन्होंने फिर एग्जाम दिया और पूरे भारत में जो है 26 रैंक ला करके जो है यूपीएससी क्रैक किया और एक आईएएस ऑफिसर बने। प्रदीप सर ने कहा अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट कभी ना करे, क्योंकि ये तो केवल एक यूपीएससी का एग्जाम है। मनुष्य में तो वो ताकत होती है कि पत्थर को तोड़ सकता है, पहाड़ को पिघलाकर पानी बना सकता है, तो यूपीएससी तो केवल एक छोटा सा एग्जाम है। हाँ, कई लोग इसे क्लियर कर लेते हैं, कई लोग इसे क्लियर नहीं भी कर पाते हैं, कई लोगों को जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सफलता मिल जाती है, कई लोगों को जो है 6 अटेम्प्ट या जो है 7 अटेम्प्ट में जो है सफलता मिलती है, लेकिन सफलता तो जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आपको प्रदीप के इस संघर्ष से क्या सीख मिली हमें कमेंट सेक्शन में तो जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।